नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। कल हुए पहले मैच की बात कर लेते हैं। अब पहला मैच जो था बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। बांग्लादेश तो वैसे ही आउट ऑफ मतलब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दिखाना था कि ऑस्ट्रेलिया क्यों वर्ल्ड चैंपियंस है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेल रही है। अगर उनके स्टार्टिंग के दो मैच छोड़ दिए जाए, जो इसमें जो कि एक इंडिया से हारे थे, एक शायद वो न्यूजीलैंड मतलब एक टीम और किसी टीम से हारे थे, तो उसके अलावा वो उस टीम ने दिखाया कि वर्ल्ड चैंपियंस टीम है। वो ऐसे ही पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, क्योंकि उनके प्लेयर्सों में वो जज्बा है, वो जोश है, जो कि वो खेलते हैं अपने मतलब टीम के लिए खेलते हैं। जब वो मतलब नेशनल टीम के लिए, तो उनको मतलब उससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो कल ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से बड़े ही आसानी से मैच जीत गई, जिसमें आपके इससे पहले जो भी हीरोज वगैरह रहे, आपके ट्रेविस हेड ने मतलब उनके जो बैट्समैनों की बात करें तो ट्रेविस हेड हो गए, आपके स्टीव स्मिथ हो गए, आपके मार्नस लबुशेन हो गए, आपके मतलब लास्ट मैच जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ था, ये सिंगल हैंडेडली आपके जो मैक्सवेल ने जिताया था, 201 रन की नावाद पारी खेली थी। इतनी बेहतरीन पारी मतलब आज तक के ODI क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखी होगी किसी ने। मतलब ऐसी फ्लुएंट पारी जो कि मतलब बिरले ही मतलब बहुत ही कम देखने को, रेयर मतलब ऐसे होते हैं कि जो कि ऐसे पारियां देखने को मिलती है। तो उनके जो बैट्समैन हैं जी फुल फॉर्म में, अगर बॉलर्स की बात करें बॉलर भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। अगर आप बात करें मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट कमिंस की बात करें जो कि उनके कैप्टन है पैट कमिंस, या फिर आप उनके मतलब जो अन्य हेजलवुड की बात करें, हेजलवुड है, पैट कमिंस है, शीन अवॉट है, मार्श है, जैम्पा है, और स्टोइनिस वगैरह जितने भी प्लेयर्स हैं उनके, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में है अभी। और वो वर्ल्ड कप मतलब जीतने के प्रबल दावेदारों में से भारत के बाद मुझे दूसरी जो टीम लगती है कि कोई वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर आप बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड थोड़ा डिरेल हो चुकी है मतलब वर्ल्ड कप के जीतने के उससे, बट वो कोई पता नहीं है क्रिकेट का, वो भी जीत सकते हैं। अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका टीम फंस जाती है जहाँ चेजिंग की बात आती है। तो वर्ल्ड चैंपियन टीम ऐसी नहीं होती कि खाली हम फर्स्ट बैटिंग करके 400 बना देंगे, 500 बना देंगे, और उसके बाद जब चेजिंग की बात आई तो 250 करने में भी हमारे मतलब धागे खुल जाएंगे। तो यही बात है। तो मुझे मतलब साउथ अफ्रीकन टीम में वैसा दिखता नहीं है कि वो मतलब वर्ल्ड चैंपियन लेवल की टीम है। वर्ल्ड चैंपियन लेवल चाहे चेजिंग कर रहा हो, चाहे मतलब आप टारगेट को चेज करें, चाहे आप टारगेट सेट करें, एक तरीके के खेल खेलती है, बट साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ा अलग खेल रही है। तो चलिए जो भी है कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल के मैच में दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 306 रन का मतलब 306 रन बनाया अपने 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पे। अगर वहीं बात करें उनके प्लेयर्स से जिन्होंने रन वगैरह बनाए, तो उसमें एक आपके तुहिद हिर्दो जिन्होंने 74 रन बनाए, आपके नजमल हुसैन सांतो जो कि मतलब शाकिब की अनुपस्थिति में कैप्टेंसी कर रहे हैं, और आपके तंजीद हसन जिन्होंने 36 रन बनाए, और आपके लिटन दास ने भी 36 रन बनाए 45 बॉलों पे। अगर वहीं बात करें मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने मतलब सभी ने कुछ ना कुछ मतलब विकेट वगैरह लिए, चाहे हेजलवुड की बात करें, कमिंस हेजलवुड को छोड़ के आपके एबर्ट, जैम्पा मतलब मार्नस स्टोइनिस, और 3 कल उनके जो बैट्समैन हैं वो रन आउट हुए थे। तो यही था, उन्होंने किसी तरह 306 रन बनाए दोस्तों 8 विकेट के नुकसान पे। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया इसको चेज करने उतरी, ऑस्ट्रेलिया की जो स्टार्टिंग है वो अच्छी नहीं हुई, क्योंकि 12 रन पे ट्रेविस हेड मतलब बोल्ड हो गए, मतलब इनर एज लग के आउट हो गए। फिर उसके बाद तो उनको कोई वो हुई नहीं। डेविड वार्नर ने भी कल, अगर ट्रेविस हेड को छोड़ दिया जाए, डेविड वार्नर ने 53 रन बनाए, मिचेल मार्श ने सिंगल हैंडेडली मतलब उस दिन आपके मैक्सवेल ने मैच जिताया था, और आज आपके मिचेल मार्श ने मैच बड़े ही आसानी से जिता दिया। और स्टीव स्मिथ भी फॉर्म में आ चुके हैं, 63 रन की पारी खेली 64 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने मतलब 4 चौके लगाए, 1 छक्के लगाए। और अगर आप मिचेल मार्श की बात करें तो 170 रन की पारी खेली 132 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 17 चौके मारे और 9 छक्के मारे। तो मतलब अभी जैसा देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है जो कि जब मर्जी मतलब खोलता है, आज मैं आपको मैच जिताऊंगा, और वो लोग वो करके दिखा रहे हैं। पैट कमिंस की बात करें, हेड की बात करें, या चाहे आप मतलब मैक्सवेल की बात करें, कल आपके मिचेल मार्श की बात करें, मतलब सभी प्लेयर सभी फुल फॉर्म में। और अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो मिचेल मार्श को अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मतलब उनको प्लेयर ऑफ द मैच, 177 रन बनाए उन्होंने 132 उसी की वजह से। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की बात ही क्या करनी, मतलब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम एकदम नीचे लेवल का क्रिकेट खेल रही है। वो ना उनके जो मतलब आपको पता ही है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम अभी विवादों में रही थी, मतलब
टाइम आउट की वजह से मैथ्यूज जो थे और मैथ्यूज के भाई वगैरह ने भी बहुत ज़्यादा बयान वगैरह दी कि साकी वगैरह हमारे देश में आता है, चाहे लंका प्रीमियर लीग खेलना है चाहे आपका नॉर्मल क्रिकेट मैच खेलना है, उनके ऊपर स्टोन फेंके जाएंगे, उनका स्वागत नहीं किया जाएगा, उनको मतलब बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के झल्लाट का सामना करना पड़ेगा। इमोशनली है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए अभी एक बुरी खबर भी आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और 21 तारीख को नहीं बांग्लादेश सॉरी श्रीलंकन क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया गया और 21 तारीख को उनकी मतलब दोबारा मीटिंग बैठेगी। उम्मीद है कि उनका जो सस्पेंशन है वो हटा लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो 2023-24-25 में वहाँ पे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी होना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी। और मतलब श्रीलंकन टीम ऐसी नहीं है कि मतलब वो छोटी टीम है कोई, वो वर्ल्ड चैंपियंस टीम है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ODI वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है उन्होंने 1996 में शायद। तो यही था मैच। और ऑस्ट्रेलियन टीम अभी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक खेल रही है। अभी ऑस्ट्रेलियन टीम अगर सेमीफाइनल की बात करें तो पहला सेमीफाइनल आपका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का है जो कि 15 तारीख को, और सेकंड सेमीफाइनल आपका मतलब सेकंड सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो कि मतलब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया फेवरेट से। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गई तो इंडिया के लिए जीतना मतलब थोड़ा मतलब जैसे कि आप दूसरी टीम में जाते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह, तो साउथ अफ्रीका को अगर आप फील्डिंग वगैरह करके चेज करने देते हो तो वो फंस सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वो मतलब वर्ल्ड चैंप है, उन्होंने दिखाया कि उनके खेल के जाए कि हाँ वो वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल रहे हैं। तो उम्मीद है जो भी मतलब वर्ल्ड चैंपियन बने वो बेहतरीन बने, वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते और सेमीफाइनल की मतलब प्रबल फाइनल की प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया लग रही है अपने परफॉर्मेंस की वजह से। और यही था दोस्तों, बांग्लादेश तो ख़त्म हो चुकी है, बांग्लादेश को 8 विकेट से बड़े ही आसानी से कल ऑस्ट्रेलिया ने मतलब मात दी। और यही था छोटा सा सारांश कल के मैच का। और अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में फैलाइए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।